वेलकम रे फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दी वर्ब के बारे में। जिन वाक्यों में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी कोई भी वाक्य हम लोग के सामने आता है, जैसे मोहन जाता है, हम लोग घर पे अपना काम करते हैं, हम बोर्ड पे लिखते हैं, तो इसमें जो जाने का काम है, लिखने का काम है, सब क्या है? क्रिया है, क्रिया को इंडिकेट करता है। जो वर्ब होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट जो होता है इसमें ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब पहले जाने कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात जिन वाक्यों में वाक्य में जो होता है वाक्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब इस प्रकार के जितने भी वाक्य रहेंगे इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मोहन घर जाता है, वह अपने मम्मी पापा के साथ सुकरौली से आ रहा है, तो अर्थात ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ेगा, इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया में। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, राम गोज टू हाटा, राम गोज टू हाटा, ही ईट्स मैंगोज, ही ईट्स मैंगोज, वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगोज, वह आम खाता है, ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आता है। अर्थात इस प्रकार के जितने वाक्य रहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत, उसमें जो होता है ऑब्जेक्ट का आना क्या है, एकदम जरूरी है। उसमें ऑब्जेक्ट पे उसका प्रभाव पड़ता है, ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है, तो इस प्रकार के वाक्य ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएंगे। जो दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब यह ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक अपोजिट होता है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके ठीक अपोजिट इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात जो वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वह ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएगा। जैसे यहीं पे लिखेंगे इसी वाक्य को, राम गोज, राम जाता है, अपने आप में वाक्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ही ईट्स वह खाता है, अपने आप में वाक्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहीं पे ही कम्स वह आता है, अपने आप में वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। ही राइट्स सी डांस मोनू रंस। तो इस प्रकार के जितने वाक्य आएंगे, जैसे यहाँ पे गोज है, इट्स है, कम्स है, राइट्स है, डांसेज है, रंस है, तो इसके पश्चात ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के जितने वाक्य आएंगे आपके इनट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी गया कि अकर्मक क्रिया, अ मतलब नहीं, जिसमें अकर्मक हो, जिसमें कर्म न हो, आई स्वकर्मक जिसमें कर्म हो, कर्म उपस्थित हो। तो सिंपल सी भाषा पहचानने का इसका तरीका यही है, स्वकर्मक जिसमें कर्म हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, जिसमें कर्म न हो उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तीसरा जो होता है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया जिसको बोलते हैं, संयोजक क्रिया। ये क्या होता है, जिस वर्ब का अर्थ पूरा करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट पूरक की आवश्यकता होती है, तो उस कॉम्प्लीमेंट पूरक को ही हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। अर्थात उसका अर्थ पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट पूरक की आवश्यकता होगी, तो कॉम्प्लीमेंट पूरक को ही क्या कहेंगे, हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले रहे, ही इज है, यहाँ पे लिखेंगे हैप्पी,
ठीक, ही इज हैप्पी, वह प्रसन्न है। तो इसका जो अर्थ है हैप्पी क्या हो गया, पूरा कर दिया, ही इज हैप्पी, वह प्रसन्न है। ठीक, इस वर्ब का अर्थ क्या कर दिया, हैप्पी पूरा कर रहा है, तो यह कॉम्प्लीमेंट वर्ब का काम करेगा। जैसे ही इज राइटर, ही इज राइटर, या ही इज डॉक्टर, या ही इज टीचर। जो वर्ब के अर्थ को कंप्लीट कर दें, पूरा कर दें, तो जो वर्ड होगा वह कंप्लीमेंट वर्ब के अंतर्गत आएगा, कंप्लीमेंट पूरक के अंतर्गत आएगा। तो और भी सारे एग्जांपल हैं आपके सामने, जैसे दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स, यहां आप देखिए दे आर प्लेयर्स। निशा इज हैप्पी, मोनू इज सैड, मोनू इज सैड, सोनू इज अगली, सोनू इज अगली। तो ये कब सब क्या है, अगली हो गया, सैड हो गया, हैप्पी हो गया, ये सब कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आएंगे। तो एक बार और, वर्ब किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से वर्ब तीन प्रकार के होते हैं जो हम लोग के नॉलेज के लिए उपयुक्त है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें कर्म की होना अनिवार्य होता है, सकर्मक क्रिया जिसको कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं रहता है, वो अपने आप में पूर्ण होता है। लिंकिंग या संयोजक क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए किसी कंप्लीमेंट पूरक की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। कंप्लीमेंट पूरक की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार के लिंकिंग वर्ब कहेंगे हम। तो लिंकिंग वर्ब का भी एग्जांपल आपने देख लिया।